खोल करके देख रहा है। अभी मजा चखाती हूँ। मर गए। बात है जी, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। अखबार के होल में से क्यों झांक रहे थे? वो जी, वो सिगरेट से पेपर में होल हो गया था, उसी को देख रहा था। झूठे कहेंगे, सच सच क्यों नहीं कहते कि मुझे देख रहे थे, मेरा पीछा कर रहे थे? जी डर लगता है। किससे? मुझसे? सारे शहर में तो बदनाम कर दिया, सब सहेलियों को भी पता चल गया। किस बात का? अब बनो मत। अच्छा ठीक है, तुम कल क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो ठीक है, फिर लवर्स पॉइंट आ जाओ ना, बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। ओके ओके, बाय बाय। बच्चू कल आना, तो दिमाग ठीक ना किया तो मधु नाम नहीं। इस लड़की का तो दिमाग फिर गया है, सारा वक्त इतना मस्ती करना क्या अच्छा बात है? पिछला हफ्ता खटमल मारने का दवाई का बोतल में कोको कोला डालकर पी लिया और ऐसा नाटक किया कि हमारा हाथ पांव ठंडा हो गया, हमको तो चक्कर आ गया सर। और फिर हमको प्यार से क्या बोलता है मालूम? नहीं नहीं, तुम पर ये दवाई पी लो, इस सुखी संसार से तुमको सुखी संसार नहीं दुखी संसार में। ओके, सुखी संसार से नहीं दुखी संसार से छुट्टी मिल जाएगा। पर सर अभी हमको मधु का कोई पन बात पर यकीन नहीं आता, वो कब झूठ बोलता है कब सच बोलता है कुछ पता नहीं चलता सर। हमने उसको वो शेर आया वाला कहानी पर सुनाया, मालूम हमको क्या बोला? बोला मिसेस पिंटो, जब शेर आएगा तो हम उसका कान पकड़कर उसको अंदर बंद कर देगा। सर्कस में? बस इसीलिए बिफोर वो किसी को बंद करे आप उसका शादी करा दो। शादी? और उसकी? मिसेस पिंटो, मुझे तो लगता है कि वो शादी के मंडप में आपको बिठा देगी और खुद चली जाएगी पिकनिक पे अपनी सहेलियों के साथ। हमको शादी के मंडप में बिठाने का पहले नहीं मिसेस पिंटो, मंडप मंडप मेंढक एक की बात है, हम जो बोलता है वो तो आप समझ गए। समझता है तो फिर एक बात और पन समझ लीजिए। समझाओ। मधु अब बहुत बड़ा हो गया है, उसका हाथ नीला करना ही मांगता है। नीला नहीं मिस पिंटो, पीला, मेहंदी मेहंदी। ओके नीला पीला लाल कुछ भी कर दीजिए, पर उसका शादी कर दीजिए। मधु को अब हम नहीं संभाल सकता। ओके बहुत रात हो गया, हम जाता है। गुड नाइट। गुड नाइट मिसेस पिंटो। जरा देर हो गई। नहीं नहीं, मैं ही जल्दी आ गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वाकई तुम आ गई हो, मैंने सोचा शायद तुम मजाक। मजाक? तुम इसे मजाक समझते हो? मैं तो सारी रात सोई नहीं खुशी के मारे, और यहाँ भी वक्त से पहले आ गई। सॉरी मधु, लेकिन ये फूल तुम्हारे लिए। ओह मेरे लिए? हाँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। महेंद्र? मेरा नाम महेंद्र नहीं सुरेंद्र है। ओह माफ करना, नाम भूल जाती हूँ ना मैं। हाँ। ये फूल तुम वाकई मेरे लिए लाए हो? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे ना वीरेंद्र? मेरा नाम वीरेंद्र नहीं सुरेंद्र है। हाँ हाँ वही, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ ना प्लीज। कैसे, क्या करूँ? कुछ भी करो, तुम क्या कर सकते हो? क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ, जो तुम कहोगी वो करूँगा। तुम चाहो तो मेरा इम्तिहान ले सकती हो। इतना प्यार? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। मेरी उंगली काटो। तुम तो चूस रहे हो, जरा जोर से काटो। तुमने तो गन्ना समझ कर मेरी उंगली चबा ली। एनीवे तुम्हें जोर से तो नहीं लगा ना? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो स्वीट। मेरी उंगली के कटने और थप्पड़ की आवाज से इतना तो पता चल ही गया कि मैं जाग रही हूँ, मगर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुम मुझे कितना प्यार करते हो जोगिंदर? जोगिंदर नहीं सुरेंद्र। ओफो तुम मुझे प्यार कितना करते हो? जान से भी ज्यादा। मैं प्यारी या जान? तुम
मेरे लिए जान दे सकते हो? हाँ। आसमान के तारे तोड़ोगे? तोड़ूंगा। समुंदर से मोती निकालोगे? निकालूंगा। यहाँ से नीचे कूदोगे? कूदूंगा। जितेंद्र, ओफो, मेरा नाम। हाँ हाँ धर्मेंद्र, यहाँ से कूद के दिखाओ। कूदता हूँ। कूदता हूँ? अरे कूद के दिखाओ। हाँ हाँ कूदता हूँ। तुम वाकई सीरियस हो? अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दो रविंदर। अभी तक तुम्हें मेरा नाम? कूद के दिखाओ राजेंद्र। इतनी बार नाम बताने से तो कूदना ही बेहतर है। कूद गया तो क्या हुआ? हुआ ये कि उस बेचारे की दोनों टांगे टूट गई हैं। बस? जी बस नहीं, उसका घुटना भी निकल गया है, प्लास्टर में पड़ा हुआ बेचारा। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहा हूँ कि इस एक्सीडेंट की जिम्मेवार आप हैं। मैं? जी आप। क्या जरूरत थी उसे कूदने के लिए कहने की? मैं तो सिर्फ उसका आत्मविश्वास देख रही थी। मैं देखना चाहती थी कि जो वो कह रहा है वो कर सकने की उसमें हिम्मत है कि नहीं। और क्या देखा आपने? मैंने देखा कि जो वो कह रहा था वो कर भी सकता है, मगर। मगर क्या? मगर ये कि जितना मजबूत उसका दिल है ना, उतनी ही कमजोर उसकी टांगे। ओह शट अप सिली गर्ल। अरे सवाल आपने किया, जवाब मैंने दिया, फिर शट अप सिली गर्ल क्यों? इसलिए कि अगर वो मर जाता तो? मर जाता तो ये शिकायत आपके पास नहीं आती और मुझे यहाँ खड़े होकर इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। मधु बेटी, तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। औलाद चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्ची रहती है। आप ही तो मेरे माँ बाप हैं। क्या मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? हल्का सा मगर हाँ बोझ। जब कोई माँ बाप या अंकल अपनी बच्ची या बच्चे को गोद में ना उठा सके तो समझ लेना चाहिए कि अब वो औलाद बड़ी हो गई है, और अगर उस औलाद को उठाने की कोशिश करेंगे तो उनकी कमर की हड्डी भी टूट सकती है या खिसक सकती है। इसलिए माँ बाप अपने बुढ़ापे पे तरस खा के अपनी औलाद का बोझ किसी और के हवाले कर देते हैं, मतलब ये कि किसी नौजवान के हवाले, ताकि वो अपनी मजबूत कमर पे उनकी औलाद का बोझ उठा ले और उनका बोझ कम हो जाए। तो इस लीगल ट्रांसफर को कहते हैं शादी। इसलिए हमने फैसला किया है कि जल्द अज जल्द आपकी शादी करा लें। हाँ, सेल्फिश, हद हो गई खुदगर्जी की। अंकल आप अपनी हड्डी बचाने के लिए किसी दूसरे की हड्डी तोड़वाना चाहते हैं? माय गॉड, अपनी लाडली इकलौती बेटी का बोझ आज के वनस्पति नौजवान के कंधे पे डालना चाहते हैं जो 10 फीट की ऊंचाई से कूदकर अपनी कमजोर टांगे तोड़वा डाले? नो अंकल, नेवर। मैंने तो फैसला कर लिया कि जीऊंगी या मरूंगी तो सिर्फ आपकी गोद में। गुड लक। भाई कपूर, फैसला तो तुम्हें करना है। मेरे फैसला करने से क्या होगा? हाँ तो उसे करनी है। एक काम करते हैं, संडे को तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मधु को साथ लेते आओ, प्रकाश भी वहीं होगा और दोनों एक दूसरे को देख भी लेंगे, शादी की बात भी हो ही जाएगी। शादी की बात ना करो सुरेश, वरना शामत आ जाएगी। तुम ये करो, प्रकाश की एक तस्वीर मुझे दे दो, मैं तस्वीर उसे दिखा दूंगा और उसका रिएक्शन ले लूंगा। छोटे भाई की एक तस्वीर तो मेरे पास है, ये लीजिए। वाह, कब बताएंगे आप? कल। कल मधु यहाँ आ रही है और मैं उसको तस्वीर दिखा दूंगा। बात खत्म। सर आपके लिए 4-5 दफा फोन आ चुके हैं, आप एक बार घर पे फोन कर लीजिए। सर फोन देन, ये लीजिए। हेलो मधु। अंकल। हाँ अंकल, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है अंकल। अच्छा तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। कब से क्लब में इंतजार कर रही हूँ। मेहता मेहता। क्या? डॉक्टर साहब कार रिवर्स कर रहे थे, सामने से ट्रक आ गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? अंकल, 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 अंकल। गुड मॉर्निंग मिसेस पिंटो। गुड मॉर्निंग। मधु बिटिया,
क्या फैसला किया आपने? किस बात का? भाई वो जो कल तस्वीर आपको दिखाई थी विजय कपूर की, उसका। ओ वो विजय कपूर जी। उसका फैसला तो मैंने रात को ही कर लिया था। गुड, मतलब ये कि आखिर तुमने लड़का पसंद कर ही लिया। हाँ अंकल, सिर्फ एक कमी है। क्या? उस बेचारे का जो वो हुलिया है ना, वो थोड़ा बदलना पड़ेगा। हुलिया बदलना? हाँ, हुलिया तो शादी के बाद उसका बदल ही जाएगा। हाँ वो तो बदल ही जाएगा, लेकिन आप पहले उसको ये तस्वीर भिजवा दीजिए, उसके बाद ही शादी हो सकेगी। ये क्या है? वो ही, आपके कल वाले विजय कपूर। दरअसल अंकल हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार के अंदर एक फोटो और इश्तेहार देखा। किसी डाकू की फोटो थी और वांटेड लिखा था, साथ में 1,00,000 रुपए का इनाम भी था। तो जब मैंने ये तस्वीर देखी ना, तो मुझे शक पड़ा कि कहीं ये वो तो नहीं। बस अपना शक दूर करने के लिए मैंने इसकी मूछें बना ली। अंकल आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं इसे वॉशिंग पाउडर से धो के लाती हूँ। मधु, हद होती है यार मजाक करने की। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना करो, मगर इस तरह लोगों का वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं लोगों से कह दूंगा कि मधु शादी नहीं करेगी, मगर तुमसे मैं कभी कुछ नहीं पूछूंगा। डॉक्टर साहब नाश्ता तैयार है। मुझे भूख नहीं है। आई एम नॉट हंग्री मिसेस पिंटो। अब क्या हुआ बेबी? आज मैं जवान हो गई हूँ। क्या? हाँ, डॉक्टर कपूर की बेटी आज जवान हो गई है। सारे शहर के लड़कों के माँ बाप की आंखें फट गई हैं। मेरे जवान होने से सारे शहर में तूफान आ गया। पहला तो हमको शक था, पर अभी यकीन हो गया कि तुम्हारा भेजा फिर गया है। तुम दुनिया का पहला लड़की नहीं जिसका शादी का बात। शादी 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 नहीं करनी मुझे शादी। अगर मैं तुम सबके लिए बोझ बन गई हूँ तो चली जाऊंगी छोड़ के। बहुत अच्छा बात बोला बेबी, बहुत अच्छा। हमको तो तुमको बोलने का कोई हक नहीं है। हम तो सिर्फ तुम्हारा नैनी है, तुम्हारा नौकर। ऐसा मत कहो नैनी। जो बात सच है हम वही बोलता है, हमारा नहीं तो कम से कम तुम्हारे डॉक्टर अंकल का बात सुन लो, जिसने तुम्हारा मरता हुआ माँ बाप को प्रॉमिस किया था कि वो तुमको औलाद का माफिक पालेगा। जानती हो उसने अपना शादी क्यों नहीं बनाया? सिर्फ तुम्हारे वास्ते, ताकि उसका प्यार में कोई कमी ना हो। उसने तुम्हारा हर बात हर दिन पूरा किया है, और अब जब वो तुम्हारी शादी के वास्ते कोशिश करता है तो उसको हैरान मत करो बेबी। वो जीता है तो सिर्फ तुम्हारा वास्ते। उसका बात मान लो बेबी प्लीज, उसका बात मान लो। हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ता है। कॉफी डॉक्टर। थैंक यू सिस्टर। सुबह से 4-5 कप कॉफी के हो चुके हैं, लगता है अभी तक सर का दर्द कम नहीं हुआ। दवा भी ली मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। हेलो, डॉक्टर कपूर के लिए फोन है। सर आपके लिए फोन। किसका फोन है? किसका है? किसी मधु का। किसी मधु का? कह दो हम बिजी हैं। डॉक्टर तो नहीं, 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 हेलो, मैं मधु बोल रही हूँ अंकल। हाँ हाँ जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया, कहो। आपसे एक बात कहनी थी। कहो ना। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत जल्दी है, कहो। मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा, फिर से कहो। अंकल मैं शादी करना चाहती हूँ, और मैंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है। रियली? तो तुमने बताया क्यों नहीं? आपने मौका ही कब दिया, हर वक्त तस्वीरें दिखाते रहे और रिश्ते लाते रहे। मैं समझी शायद मेरे इनकार से आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। वो लड़का है कहाँ? यहीं पर है, मेरे सामने। कहाँ? घर पर। आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, फिर कभी। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो तुम उस लड़के को घर पे ही रखो, मैं अभी आता हूँ। जी अच्छा। आप कितनी शक्कर लेंगे? आधा चम्मच? ये लीजिए। आप तो कुछ ले ही नहीं रहे, ये नमकीन बिस्किट लीजिए ना प्लीज, शर्माइए मत। हाँ भाई हम भी तो देखें अपनी मधु बेटी की चॉइस। क्या आप कहाँ भागी जा रही हैं? अपने मेहमान से हमारा परिचय नहीं करवाइएगा? अंकल इनका नाम अविनाश है। हेलो अविनाश। Thank you.
दामाद कैसा लगा? हर बात मानने की कसम खाई है। आपने झूठ बोलकर मुझे फंसा लिया। उल्टे लोगों के साथ उल्टे ही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अब हर चीज मेरी मर्जी से होगी। मिसेस पिंटो, यस, हम अखबार में इश्तिहार दे देंगे इसके लिए। मेरी एक शर्त है। कोई शर्त नहीं थी। क्यों? मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश मानी जाती है, तो फिर आप मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? मधु बाबा, तुम्हारा आखिरी विश क्या है? मिसेस पिंटो, इसकी बात ना सुनिए वरना फिर ये कोई बहाना कर देगी। प्लीज अंकल, आप तो जानते ही हैं कि मुझे शादी से और लड़कों से इतनी नफरत क्यों है। आप भूल गए मेरी सहेली नीना को? उस बेचारी की शादी को एक महीना भी नहीं हुआ था कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार दिया। मुझको डर लगता है। मगर बेटे, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बेबी, ये सब लग का बात है। जिधर शैतान होता है उधर भगवान पर होता है। तो ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन इश्तेहार मेरी मर्जी से दिया जाएगा। मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगी। देखती हूँ कि मेरे नसीब में शैतान है या भगवान। ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू कैसे चले आज? ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं। नेक्स्ट। माइक लेके आओ जल्दी। दैट इज ऑल राइट। मे आई कम इन सर? यस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। Have a seat, please. Thank you, sir. File, please. Yes, sir. BSc first class. Aur sportsman bhi ho? Ji. Khair. Any recommendation? Ji. Mera matlab hai, koi sifarish hai tumhare paas? Ji. Ji, nahi. Mere paas koi sifarish nahi. पानी पी ले माँ। बेटा, नौकरी मिल गई। नहीं माँ, आज सब लोग सिफारिश मांगते हैं। माँ, सब लोग सिफारिश मांगते हैं। सिफारिश कौन करेगा? डिग्री जरूरी है क्या? सिफारिश डिग्री से नहीं माँ, अब तो सिफारिश से ही नौकरी मिलती है। अब तू ही बता, मैं ये सिफारिश कहाँ से लाऊं माँ? अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती माँ, मुझसे देखी नहीं जाती। मैं ठीक हूँ बेटे, तू मेरी फिक्र मत कर। फिक्र कैसे ना करूं माँ, तेरी ये बीमारी, हमारी ये गरीबी, ये हालत, ये बेकारी, क्या हमारे नसीब में यही सब कुछ लिखा है माँ? सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर बेटे, सब ठीक हो जाएगा। तेरा नसीब भी बदलेगा, भगवान के घर में तेल है, अंधेर नहीं। अरे हाँ, रहीम चाचा ने तुझे बुलाया है। रहीम चाचा ने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नमस्ते चाचा। आओ विशाल मियाँ,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नौकरी मिली या नहीं? नहीं चाचा। फिक्र मत करो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। हिम्मत रखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब तो हिम्मत भी साथ छोड़ चुकी है चाचा। चाचा के होते हुए आखिर ऐसा कब तक चलेगा चाचा? सिफारिश के बिना तो नौकरी नामुमकिन है, और फिर ऊपर से माँ की बीमारी। माँ की फिक्र बिल्कुल मत करो, कमरू को भेजा दवा लाने के लिए, आता ही होगा। तुम तलाश जारी रखो। हाँ, ये अखबार है, जरा इसमें भी देख लो। नौकरी के साथ एक रिश्ते की भी बात है, मुझे समझ नहीं आती है। एक बड़े घर की लड़की के लिए रिश्ते की जरूरत है। लड़की अक्सर बीमार रहती है। जरूरतमंद और हमदर्द नौजवान दरखास्त दे सकते हैं। जरूरतमंद और हमदर्द नौजवान दरखास्त दे सकते हैं। क्या सोच रहा है विशाल? बड़े घराने की लड़की है, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। नहीं, बेवकूफ मत बन, मौके का फायदा उठा। ये तो सौदेबाजी है। सौदा कहेगा, अगर बड़े घर वाले सौदा कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? नहीं, ये तो सरासर बेईमानी है, गलत बात। बीमार लड़की से शादी करके तेरी जिंदगी भी तो झन्नुम हो जाएगी। अगर वो लोग बीमार लड़की को खुश करने के लिए उसकी शादी रचाकर अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं तो तू भी तो अपना फर्ज पूरा कर रहा है। फर्ज? वो कैसे? उनकी दौलत की लालच से? बेवकूफ, दौलत नहीं, उस घर से तुझे सिफारिश मिल सकती है, किसी बड़े अमीर आदमी की सिफारिश। सिफारिश होगी तो तेरी बीमार मां की जिंदगी होगी, और मां की खातिर तुझे ये सिफारिश हासिल करनी ही होगी विशाल। मगर मेरी तरह ना जाने और कितने लोग वहां होंगे। जब से अखबार ने इश्तेहार देखा है हमारी रातों की नींद उड़ गई है। वो क्यों? सिर्फ ये सोचकर कि वो कब हमारी बहू बनेगी और कब हम उसके घर रहने के लिए जाएंगे। क्यों, आपका कोई घर नहीं है? घर है तो सही, हाँ। लेकिन हमने दलाल से बात की है, जैसे ही शादी होगी हम घर बेच देंगे। देखिए, आपका फोन नंबर हमारे पास है तो हम आपको फोन कर देंगे। फोन तो पड़ोसियों का है ना, जब से उनके कानों में बीमार और दौलतमंद लड़की की खबर पड़ी है हमें फोन पर बुलाना ही बंद कर दिया है, इसलिए अभी बता दीजिए ना। तो शोभा जी, गौर से सुन लीजिए, बात नहीं बनेगी। अरे, आपका क्या बिगड़ जाएगा, आपका कमीशन तो हमने पहले ही सोच के रखा है। कमीशन नेक्स्ट। अरे सुनिए तो, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट इश्तेहार क्यों देते हैं, लोगों को बुलाते क्यों हैं? लड़की वाले हो? अरे झूले लाल माई दे रही पार। अरे क्या करता तुम लोग, आप जैसी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। मरती हुई बच्ची के लिए इतना बड़ा बलिदान? तुम अपना सारा दुख दर्द हमारे जोली में डाल दो और तुम सुखी हो जाओ माताश्री। बड़ी, ये माताश्री बच्ची की नहीं है, और तुम बैठ जाओ। आओ आओ बैठ जाओ बड़ी। एक्सक्यूज मी, ये बच्ची की माताश्री नहीं है। अच्छा बड़ी, यही बीमार बच्ची है क्या? मैं तो पहले ही कहती थी बीमारी में बच्ची के बाल सफेद हो गए हैं, वैसे उम्र तो कम लगती है। जी नहीं जी नहीं जी, ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। दरअसल ये बच्ची की नैनी है। नानी है, अभी भी जवान लग रही है। वरी मुआ बकवास बंद कर। अच्छा मम्मी, तुम बात करो। फरमाइए। फरमाना क्या वड़ी, शादी का मुहूर्त जल्दी निकालो। नी मुहूर्त रहने दो, हम तो शादी करके ही जाएंगे। मधु बेटी, इस एप्लीकेशन में मुझे कुछ बात लगती है। नाम है विशाल, ग्रेजुएट है, बेकार है, बाप है नहीं और माँ बीमार रहती है,
बेचारा नौकरी के लिए भटक रहा है। खुद के पास खाने को पैसा नहीं और शादी करने को चला। चुप है। सब के सब धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं। मगर ये धोखेबाज नहीं है, वरना सच क्यों लिखता? अंकल, ये सब इमोशनल ब्लैकमेल है। हमदर्दी हासिल करके वो घर में घुसना चाहता है। यस, बिल्कुल ठीक बात है। इतना लोग आया पर सबका सब फ्रॉड। बट ही इज नॉट ए फ्रॉड। देखो कितना मासूम चेहरा, देखो। सूरज से तो ठीक ही लग रहा है। तो मिल लेने में क्या हर्ज है? ठीक है, देख लेते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम विशाल है। आओ विशाल, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। जी जी, मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, वक्त के बहुत पाबंद लगते हो। आओ बैठो। जी मैं बैठो भाई। क्या पियोगे, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? जी नहीं, सिर्फ पानी। अरे भाई पानी भी पी लेना, मगर उसके बाद कॉफी या चाय, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। जी चाय पी लूंगा। नंदू जी, पहले साहब के लिए पानी लाओ और उसके बाद शानदार गर्मा गर्म चाय। अच्छा जी। तो विशाल, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ी, जो कुछ तुमने लिखा था बहुत गौर से पढ़ा। इससे एक बात जाहिर हुई और वो ये कि तुम इस वक्त बड़े परेशान हो। एक तरफ माँ की बीमारी, दूसरी तरफ तुम्हारी बेकारी। तो इस हालत में तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आया? मतलब ये कि तुमने अखबार में इश्तिहार पढ़ा और मालूम हुआ कि एक अमीर घराने की एक लौटी बेटी है, काफी बीमार रहती है, कुछ ही दिनों की मेहमान होगी, हैं? और उसके बाद उसकी सारी दौलत तुम्हारी होगी और तुम अपनी बाकी जिंदगी शान शौकत और आराम से गुजारोगे, है ना? लेकिन इश्तिहार में पूरी तफसील नहीं लिखी गई। लड़की की बीमारी का नाम है कैंसर। क्या समझे? और फिर शादी की कुछ शर्तें। पहली शर्त, शादी के बाद लड़की के घर पर रहना होगा। दूसरी शर्त, लड़की का हर वक्त ख्याल रखना होगा और उसे खुश रखना होगा। तीसरी शर्त, लड़की का कारोबार संभालना होगा, सिर्फ संभालना, और इस काम के लिए तुम्हें एक तनख्वाह मिलेगी। चौथी शर्त, लड़की की सारी दौलत और जायदाद पे सिर्फ उसका हक होगा, वो जिस तरह चाहेगी उसे इस्तेमाल करेगी, किसी और का दखल नहीं। और उसकी जिंदगी के बाद ये सारी दौलत एक अनाथ आश्रम जाएगी, अगर उसने वसीयत ना की तो। पांचवीं शर्त, वसीयत लड़की अपनी मर्जी से करेगी और सिर्फ खानदानी वकील के सामने, समझे? और कुछ? बस और कुछ नहीं जी। मुझे लड़की की जायदाद और दौलत से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मुझे कुछ चाहिए उससे। कुछ नहीं चाहिए उससे, यानी बगैर किसी मतलब के तुम शादी करोगे उससे? गलत युग में पैदा हुए तुम विशाल। सतयुग की कथाओं से निकलकर तुम ये कलयुग में कैसे आ गए? मैं सतयुग की किसी कथा का कोई पात्र या किरदार नहीं हूं साहब। मैं तो इस कलयुग की एक बीमार माँ की आखिरी उम्मीद हूँ, जिसने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और अपनी जान को कई रोग लगा लिए। उसकी उम्मीदों को डिग्री के रूप में लेकर मैं ना जाने कहां कहां नहीं भटका, लेकिन हर जगह से सिवाय मायूसी की और कुछ नहीं मिला मुझे। नौकरी के कॉलम के साथ आपके इश्तेहार पर नजर पड़ी तो सोचा कि एक बड़े घर की बेटी है, अगर शादी हो गई तो कम से कम उस बीमार की सेवा के बदले में एक बड़ी सिफारिश तो मिल ही जाएगी। सिफारिश? जी हाँ, सिफारिश। आज मुझे डिग्री या डिप्लोमा की बजाय सिर्फ एक सिफारिश चाहिए। अगर सिफारिश होगी तो नौकरी होगी, नौकरी होगी तो माँ का इलाज होगा, और माँ की अच्छी सेहत और सुख के लिए मैं अपनी हर खुशी को दांव पे लगा दूंगा। मेरा यकीन कीजिए सेठ साहब, अगर आपकी लड़की की वजह से मेरी माँ को नई जिंदगी मिली तो मैं उसके रास्ते के हर कांटे पे अपना हाथ रख दूंगा। जितनी भी जिंदगी आपकी बेटी के नसीब में है मैं उसे खुशियों से भर दूंगा, मेरा यकीन कीजिए। ये सब कुछ तुम अपनी माँ की खातिर करना चाहते हो? जी हाँ। खुशकिस्मत है वो माँ
जिसने इस युग में भी सतयुग के बेटे को जन्म दिया। आप देखो जी, जी हाँ, हाँ भाई रख लो। अच्छा नंदू, मिसेस पिंटो से कहो कि बेबी मधु को ले आए। दूध? जी बस थोड़ा सा थोड़ा सा।